एक तरफ जहां छेड़खानी वाले या उनके खिलाफ योगी सरकार डंडा चला रही है, वहीं कई जगह से लोग भी मनचलों को सबक सिखाने में जुट गए हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्यों? ऐसा ही मामला संभल के गांव में सामने आया, जहां गांव वालों ने एक मनचले की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन हम क्यों कह रहे हैं कि यह गलत है, इस रिपोर्ट से समझिए। इस लड़के का चेहरा हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन यह खबर देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश में संभल के एक गांव में ये लड़का लड़कियों को छेड़ता था और फोन पर अश्लील बातें करता था। कभी भी नहीं होगी गलती, किसी लड़की को फोन कौन करेगा। गांव वाले कई दिनों से इस पर नजर रख रहे थे और कल इस लड़के को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद इसकी जमकर धुनाई कर दी गई। गुस्साए गांव वालों ने आरोपी को पहले खंभे से बांधकर पिटाई की, बाद में उसके सिर को मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया और कान पकड़कर माफी भी मंगवाई। सबसे बड़ी गलती, उठा बैठी, उठा बैठी। कभी भी नहीं होगी गलती, किसी लड़की को फोन कौन नहीं करेगा। मैं करूंगा। कई दिनों से बार बार आ रहा था, तो आज गांव वालों ने इसको पकड़ लिया। ये लड़की को छेड़ा था और इसको मारा पीटा और रस्सी से बांध दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना में किसी ने पुलिस से शिकायत नहीं की और इसीलिए कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये है कि आरोपी को सजा देने का अधिकार गांव वालों को किसने दिया? क्या मनचलों पर भीड़ इंसाफ किया करेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि खुद सीएम आदित्यनाथ योगी कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर कोई कानून को हाथ में ना ले, किसी को जानबूझकर परेशान ना किया जाए। रात चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई दो युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में लड़कियों की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी या फिर कानून को हाथ में लेना कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप जागरूक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जोश में होश नहीं खो बैठते। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते, इसीलिए अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि असामाजिक तत्व आसपास है, तो पुलिस को इत्तला कीजिए।